नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 नवंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नहाए खाए से शुरू होने वाले 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा के अवसर पर आप सभी बिहारवासियों को बिहारी न्यूज की टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आज नहाए खाए के साथ छठ महापर्व प्रारंभ। सूर्यदेव को समर्पित बिहार का ये महापर्व भात, चने की दाल और लौकी की सब्जी ग्रहण करेगी व्रती। बिहार में अब बढ़ेगा गिट्टी का कारोबार, व्यापारियों को मिलेगा लाइसेंस। ई चालान की नई शर्त, धर्म काटा अनिवार्य। तिरुत स्नातक चुनाव की तारीखों का ऐलान, 5 दिसंबर को मतदान, 9 दिसंबर को मतगणना। आरजेडी और जेडीयू के बीच होगी सीधी टक्कर। बिहार में पैक्स चुनाव की तैयारियां तेज, 26 से 3 दिसंबर तक 5 चरणों में मतदान। इस बार ड्यूटी में नहीं लगाए जाएंगे हेडमास्टर। बिहार सरकार ने मिड डे मील प्रबंधन बदला, हेडमास्टर की जगह विशेष टीम का प्रबंधन। 10 जिलों में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट। भारतीय रेलवे लाने जा रहा है सुपर ऐप, यात्रियों के लिए मिलेगी एकीकृत सेवाएं। नए ऐप से मिलेंगी कई सारी सुविधाएं। और भारत की साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज, सूर्य कुमार यादव करेंगे भारत की कप्तानी। 8 नवंबर से शुरू होंगे मुकाबले। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। हिंदू धर्म के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत 5 नवंबर यानी आज नहाए खाए के साथ शुरू हो रही है। नहाए खाए को छठ पूजा की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आज छठ व्रती स्नान कर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर अपना व्रत शुरू करेंगे। इस दिन व्रत करने वाले व्रती किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करेंगे और प्रसाद के रूप में भात, चने की दाल और लौकी की सब्जी भोजन के तौर पर ग्रहण करेंगे। उपवास करने वाले व्रती के भोजन करने के बाद ही परिवार के बाकी सदस्य इस प्रसाद का सेवन करेंगे। इस 4 दिवसीय त्यौहार में 36 घंटे का कठोर उपवास रखा जाएगा। बता दें ये पर्व वैदिक युग से चला आ रहा है। ITBP ने सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती निकाली है। कुल 20 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर 2024 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 26 नवंबर 2024 है। बता दें इस भर्ती में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 12, हेड कांस्टेबल के लिए 1 और कांस्टेबल के लिए 7 पद शामिल हैं। इन सभी पदों के लिए शैक्षिक योग्यता अलग अलग तय की गई है, जिसकी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की आयु 18 से 28 वर्ष के बीच होना चाहिए, जिसकी गणना 26 नवंबर 2024 के आधार पर की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर 15 नवंबर 2024 से आवेदन कर सकते हैं। बिहारी पर्यटन में आज बात होगी सिवान जिले के कचनार गांव में स्थित सूर्य मंदिर की। छठ महापर्व पर सिवान जिले के कचनार गांव का सूर्य मंदिर श्रद्धालु के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां स्थापित भगवान सूर्य की 3 फुट की प्रतिमा और छठ माता के सिरसोता विशेष रूप से मनोकामना पूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। 2010 में बने इस मंदिर में भक्त दूर दूर से आकर अर्घ्य देते हैं। गाँव में बनाए गए 462 सिरसोता सामंजस्य और एकता का प्रतीक है, जो ये दर्शाते हैं कि यहाँ अमीर गरीब का कोई भेद नहीं। कचनार के छठ घाट पर श्रद्धालु उगते और डूबते सूर्य को अर्घ देकर अपने मन की कामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मेडल लाओ नौकरी पाओ की तर्ज पर बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 बनाई गई है। इसके तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे नौकरी का अवसर मिलेगा। वही अच्छा प्रदर्शन करने पर उन्हें SDO और DSP जैसी पदों पर नियुक्त किया जाएगा। बता दें हाल ही में 71 खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है, जिसमें 2 को महत्वपूर्ण पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 69 खिलाड़ियों को पुलिस, अवर निरीक्षक और अन्य विभागों में नौकरी मिली है और बिहार में प्रखंड स्तर पर लगभग 250 स्टेडियमों का निर्माण पूरा हो चुका है।
राज्य सरकार अब गिट्टी कारोबारियों को लाइसेंस जारी करेगा, जिससे नए व्यापारी इस क्षेत्र में शामिल हो सकेंगे। हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठक में व्यापारियों ने नए लाइसेंसों की मांग की थी। सरकार ने इस मांग को ध्यान में रखते हुए नए के लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया है। नए व्यापारियों के अलावा पहले से मौजूद व्यापारी जो अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं, उन्हें भी अतिरिक्त लाइसेंस दिए जाएंगे। नए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शर्त के रूप में कारोबारियों को धर्मकांटा लगाना होगा और ई चालान केवल धर्म कांटा की पर्ची दिखाने पर ही जारी किया जाएगा। इधर भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद के तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। वोटिंग 5 दिसंबर और मतगणना 9 दिसंबर को होगी। वही चुनाव परिणाम 9 दिसंबर को ही जारी होगा। आयोग के अनुसार 11 नवम्बर को अधिसूचना जारी होगी, साथ ही नामांकन शुरू होगा। 18 नवम्बर तक नामांकन पत्र दाखिल होगा। 19 नवम्बर को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। 21 नवंबर नामांकन वापसी की अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। बता दें, ये सीट देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद निर्वाचित होने और एमएलसी के पद से इस्तीफा देने के कारण खाली हुई है। इस सीट के लिए कार्यकाल 14 जून 2026 तक निर्धारित है। 11 से 20 नवंबर तक राजगीर में होने वाले टूर्नामेंट के लिए टीमों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। 32 सदस्यीय टीम का एयरपोर्ट पर डीएम और एसएसपी ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। चैंपियनशिप का आगाज एक भव्य दीपोत्सव के साथ किया जाएगा। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और प्रशिक्षक IAS तुषार कुमार ने बताया कि 10 नवंबर को दीपोत्सव के साथ एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आगमन होगा। उन्होंने इसे राजगीर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण करार दिया और कहा कि इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए नगर परिषद ने प्रतियोगिता का आयोजन किया है। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता को 15,000 रुपये, द्वितीय को 10,000 और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही विजेताओं को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। बिहार में पैक्स चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक 5 चरणों में होने वाले इस चुनाव के लिए निर्वाचन प्राधिकार ने सभी जिलाधिकारियों और निर्वाचन पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बार सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा, सिवाय अपरिहार्य परिस्थितियों के। सुरक्षा व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है आरक्षी अधीक्षक के पास होगी, जबकि मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। खास तौर पर महिलाओं के लिए स्वतंत्र आवास और स्नान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और गर्भवती महिलाओं तथा दिव्यांगजनों को चुनावी काम में नहीं लगाया जाएगा। पटना के बामेटी में राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता कार्यक्रम के तहत बिहार स्वच्छता सॉन्ग का विमोचन किया गया। इस अवसर पर 408 स्वच्छता कर्मियों को PPE किट वितरित किए गए। कार्यक्रम में बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन, पटना नगर आयुक्त, महापौर और उप महापौर ने भाग लिया। नगर आयुक्त अनिमेश परासर ने बताया कि PPE किट का वितरण कर्मियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए किया गया है। मंत्री ने स्वच्छता की आदत विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और सफाई कर्मियों की मेहनत की सराहना की। इसके अलावा कूड़ा पृथक्करण के लिए 2000 सफाई कर्मियों को ट्रेनिंग देने की योजना है, जो छठ पूजा के बाद शुरू होगी। छठ महापर्व के अवसर पर जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक नई पहल की है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और SSP राजीव मिश्रा ने www.chhatpujapatna.in वेबसाइट और छठ पूजा पटना नामक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। इस वेबसाइट और ऐप पर घाटों की सूची, पार्किंग स्थल, GPS लोकेशन, खतरनाक और अनुपयोगी घाटों की जानकारी, तालाबों की सूची और प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी और अधिकारियों के संपर्क नंबर शामिल रहेंगे। इसके साथ ही शिकायत और सुझाव देने की सुविधा भी उपलब्ध है। श्रद्धालु इस वेबसाइट पर जाकर लाइव लोकेशन देख सकते हैं। बिहार सरकार किसानों के लिए नलकूप योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई और मखाना की खेती के लिए आधुनिक संसाधनों का लाभ दे रही है। यदि आप भी किसान हैं तो इसका लाभ उठा सकते हैं। सामान्य वर्ग के किसान को 50% सहायता अनुदान दिए जाएंगे, पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग को 70% और अनुसूचित जाति जनजाति को 80% सहायता अनुदान दिए जाएंगे। इससे संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर विजिट करें।
बिहार सरकार ने मिड डे मील को स्कूल प्रबंधन से बाहर करने का फैसला किया है। अब स्कूल के हेडमास्टर इस योजना का प्रबंधन नहीं करेंगे, इसके बजाय मिड डे मील का प्रबंधन एक विशेष मैनेजमेंट टीम करेगी जो बच्चों को पका पकाया खाना उपलब्ध कराएगी। ये पहल बिहार के 10 जिलों मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, भागलपुर, लखीसराय, गया और औरंगाबाद में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। इन जिलों के दो दो पंचायतों में इस व्यवस्था का परीक्षण किया जाएगा। मिड डे मील योजना के डायरेक्टर विनायक मिश्रा ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर इस योजना के तहत पीएम पोषण योजना को लागू करने के निर्देश दिए। उनका कहना है कि इससे स्कूलों का समय बर्बाद नहीं होगा। भारतीय रेलवे दिसंबर के अंत तक एक नए सुपर ऐप का लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है जो यात्रियों के लिए सभी आवश्यक सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने का दावा करेगा। इस ऐप के माध्यम से यात्री न केवल ट्रेन टिकट बुक कर पाएंगे बल्कि प्लेटफॉर्म टिकट लेने और ट्रेन की स्थिति जानने जैसी सुविधाओं का भी लाभ उठा पाएंगे। इस नए सुपर ऐप से इन सभी सेवाओं को एकीकृत किया जाएगा जिससे स्मार्टफोन में कम जगह घेरेगा और यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करेगा। अधिकारियों के अनुसार ये ऐप CRIS द्वारा विकसित किया जा रहा है। कई लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए राशन कार्ड बनवा लेते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा लेते हैं। बता दें ये एक गंभीर अपराध है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है। सरकार द्वारा उनकी राशन कार्ड केवल निरस्त ही नहीं किए जाएंगे बल्कि उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं उन्हें अवैध तरीके से लिए गए लाभ की राशि भी लौट आनी पड़ सकती है। इसलिए हम सभी को ये समझना चाहिए कि किसी भी प्रकार से धोखाधड़ी करना न केवल गलत है बल्कि इससे गंभीर कानूनी परिणाम भी हो सकते हैं। बिहारी बर्थडे में आज बात होगी चंदन विश्वास की। आज के दिन 5 नवंबर 1985 को पटना में जन्मे चंदन विश्वास ने साइकिलिंग की दुनिया में अपने साहस और लगन से बिहार का मान बढ़ाया। 2010 में अपने करियर की शुरुआत करने के बाद चंदन विश्वास ने 2017 में सोलो ट्रांस हिमालय साइकिलिंग अभियान को पूरा किया जिसमें उन्होंने 153 दिन में 6,249 किलोमीटर की दूरी तय की। ये यात्रा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और भारत के विभिन्न हिस्सों से गुजरी। वही 2018 में उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे 4 राज्यों में 47 दिनों में 1,047 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके अलावा 2016 में उन्होंने कोलकाता से ढाका तक एक साइकिलिंग और रनिंग टीम का नेतृत्व किया। बिहार में सर्दी धीरे धीरे दस्तक दे रही है लेकिन इस बार ठंड देर से आएगी। पछुआ हवा के कारण तापमान गिर रहा है जिससे सुबह शाम ठंडक महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 15 नवंबर तक हल्की ठंड पड़ेगी, उसके बाद ही पूरी तरह से सर्दी का असर दिखने लगेगा। हालांकि अभी न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है लेकिन आने वाले दिनों में इसमें गिरावट आ सकती है। दिन के तापमान में अधिक बदलाव की उम्मीद नहीं है। इस दौरान बिहार के कई जगहों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। बिहार के कैमूर जिले में साइबर थाना ने एक अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 18 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से 7 एटीएम कार्ड, 41 मोबाइल फोन, 34 सिम कार्ड और धोखाधड़ी में मिले रुपए का हिसाब रखने वाले 5 रजिस्टर बरामद किए गए। बता दें ये गिरोह बेंगलुरु के लोगों को लोन देने के नाम पर ठगी करता था। कैमूर के SP ललित मोहन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। बिहार विधानसभा उपचुनाव की सियासी हलचल तेज हो चुकी है। बिहार के 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कैमूर जिले की रामगढ़ सीट को हॉट सीट माना जा रहा है। बीते दिन रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी के समर्थन में तेजस्वी यादव ने 40 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस मौके पर बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह समेत कई RJD के विधायक और नेता भी मौजूद रहे। बता दें राष्ट्रीय जनता दल ने रामगढ़ सीट से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है जिसके समर्थन में तेजस्वी ने रोड शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये एम्स दरभंगा के शोभन में 187 एकड़ जमीन पर बनेगा और ये राज्य का दूसरा एम्स होगा। आपको बता दें कि दरभंगा में इस संस्थान की स्वीकृति 2019-20 में प्रदान की गई थी। इस 750 बेड वाले अस्पताल के लिए 2020 में 1,264 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई थी। IIT दिल्ली को इस संस्थान को नए स्वरूप में विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है। शिलान्यास समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बताया कि भागलपुर जिले के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। ये निर्णय लंबे समय से चर्चा में था और अब नगर परिषद ने इस संबंध में प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। सम्राट चौधरी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस प्रस्ताव को जल्द ही भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। ये कदम स्थानीय संस्कृति और धार्मिक महत्व को सम्मानित करने के लिए उठाया जा रहा है। पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश रोशन ने एलजेपी रामविलास से इस्तीफा देकर तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की है। बीते दिन मौर्य होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने 28,000 स्नातकों का समर्थन जुटाने का दावा किया। रोशन ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता है जो गठबंधन की राजनीति में बाधित हो रही है। मेरा सपना भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का है, लेकिन ये संभव नहीं था। उन्होंने युवा और छात्रों की आवाज़ को एक मजबूत राजनीतिक मंच प्रदान करने का लक्ष्य रखा। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम अब साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम की नज़र 4 मैचों की इस T20 सीरीज पर है जो 8 नवंबर से शुरू होगी। टीम की कोशिश है कि वे साउथ अफ्रीका में जीत की हैट्रिक लगाए, क्योंकि इससे पहले भारतीय टीम ने श्रीलंका और बांग्लादेश को मात दी थी। अब तक दोनों टीमों के बीच 27 T20 इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें भारत ने 15 मैच जीते हैं और साउथ अफ्रीका को 11 जीत मिली है। मैच का परिणाम भी बेनतीजा रहा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन सन 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल शासक अकबर ने हेमू को हराया था। आज के दिन सन 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। आज के दिन सन 1961 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने न्यूयॉर्क की यात्रा की थी। आज के दिन सन 2001 में भारत तथा रूस ने अफगान सरकार में तालिबान की भागीदारी नामंजूर कर दी थी। आज के दिन सन 2013 में भारत ने अपने पहले मंगल ग्रह परिक्रमा अभियान के लिए ध्रुवीय रॉकेट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करके इतिहास रच दिया था। कहीं हैक तो नहीं हुआ है आपका व्हाट्सएप? इसे जानने के लिए व्हाट्सएप ऐप खोलें, 3 डॉट्स पर क्लिक करें, फिर लिंक्ड डिवाइस पर टैप करें। यहाँ आपको सभी डिवाइस की सूची मिलेगी जिनमें आपका अकाउंट लॉगिन है। अगर कोई अनजान डिवाइस दिखाई दे तो उस पर क्लिक करके लॉग आउट कर दें। साथ ही 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें, संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। किसी भी संदिग्ध नंबर को तुरंत ब्लॉक करें। व्हाट्सएप पर किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी जांच कर लें। व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से खरीदारी करने से बचें। व्हाट्सएप खोलने के लिए पिन का इस्तेमाल करें। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C द्वारा एक फर्जी पत्र लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें उनके खिलाफ कई आरोप लगाए जा रहे हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए जवाब मांगा जा रहा है। बता दें, ये लोगो पूरी तरह से फर्जी है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C या भारत सरकार के अधीन किसी संगठन द्वारा ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। PIB फैक्ट चेक ने भी इस फर्जी पत्र लोगों को फर्जी करार दिया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किसने गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है PM मोदी, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी है अरविंद केजरीवाल। इसका सही उत्तर होगा अमित शाह। नवंबर 2024 में किस राज्य ने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है तेलंगाना। इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना। हाल ही में रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए है 60 दिन, ऑप्शन बी है 70 दिन, ऑप्शन सी है 120 दिन, ऑप्शन डी है 150 दिन। इसका सही उत्तर होगा 60 दिन। किस देश की सीमा बिहार के राज्य से जुड़ती है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है म्यांमार। इसका सही उत्तर होगा नेपाल। बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा किसे कहा गया था? ऑप्शन ए है छात्रों को, ऑप्शन बी है उद्योगों को, ऑप्शन सी है किसानों को और ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण को। इसका सही उत्तर होगा छात्रों को।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, गुनर शर्मा, महेश दास, मोहम्मद साकिर हुसैन, अनवर करीम खान, अतीक खान, सुकांत शंकर, प्रमिला कुमारी, कुश कुमार यादव, जितेंद्र ठाकुर, रवि मोहन वर्मा, राकेश मिश्रा, किशोरी यादव, समीम रजा, राम बाबू दास, राम सागर पासवान, नरेंद्र कुमार, सुशांत गुप्ता, कृष्णा प्रसाद, विनय कुमार, ऋषि सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके इलाके में छठ महापर्व की तैयारी कैसे चल रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।